भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा अड्डा आज तक का नारू नलका महतो कैप्टन अभिमन्यु है। तीसरी बार का दावा कर रही है बीजेपी और कैप्टन अभिमन्यु भी लगातार लगातार दौरे कर रही कैप्टन अभिमन्यु का। यू एड्डी रगड़ लो मन्ना बीजेपी का नहीं बेरा कौन बनेगा कौन नहीं। मन्ने एक बात का बेरा है जय इसका गुंडर फूट जाए तो मन्ने कह दिए मेरी नाक काट ली तो और बता। जय इसका गुंडर फूट जाए तो मन्ने कह दिए मेरी नाक काट ली तो और बता। एक कैप्टन अभिमन्यु तो कह मैं हरा दिया इसीलिए नहीं आया क्या था भाई। न्यू है यू कैप्टन अभिमन्यु जब बीजेपी की सरकार है बन गया ट्रक्टर करता हंडा करता खा गया सारा देश के रोड़ा ने बना बना के न रफी एक भी रोड़ी सा नहीं है जो पांच साल चले वो सारा हम खड़े हैं। आप नारायण में सारा घूम के देख लो दादा गौतम बीमार चल रहे हैं। दादा गौतम तक के बीमार चल रहा है यू भी फंडे करा मेरे फेफड़े खराब मेरा पिताजी के फेफड़े खराब हुए थे मैंने मेरा फेफड़े खराब हुए पाछा डेंग भी नहीं पाड़ सकता। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं कह तो लकड़ी गिरवा लेगा कह फेफड़े खराब हो जाएंगे। इमोशनल ड्रामा है यहाँ के लोगों का। और मैं तो आपके माध्यम से सभी पॉलिटिशियन ने एक बात कहूंगा कि भाई जितने भी है ना ये कुएं के मिंडक जो सही इलेक्शन का नजदीक आते लाग जे हैं जी मैं भी आ के करेगा भाई सेवा करूंगा। अरे कर ले सेवा 10 साल हो गए सेवा के तू इलेक्शन में बड़कन लड़कन करेगा अपने मैं नारायण का हूँ भाई सारा ना जानू सारा ने किसी ने पूछ लो आप जिसका अग भी माई कटाओगे वो कहेंगे मैं भी सेवा करूंगा। फिर सेवा करने खातर इलेक्शन लड़ना कौन सा जरूरी है। लोहान साहब सेवा की बात बताऊँ आपने अभी बारिश हुई थी अपने पिछले साल मिर्जपुर के 25 से 30 मकान छोड़ने में मजबूर हो गए थे उस टाइम तो कोई सेवा करने वाला नहीं दिखा था वहाँ। हाँ बिल्कुल सही बात है मुझे पता है हम गए भी थे वहाँ कुछ खाना पीने के लिए दे के भी आए थे लेकिन भारत पल्ला भी एक दो भाई ने दे दिए थे वहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यह पूरा हरियाणा में जितने भी पॉलिटिशियन है ना मैं तो बल्कि वोटरा न कहूँ इन्हें इकट्ठे होकर इन कह देना चाहिए कि जुन सा भाई 10 साल पहला सेवा लग जाए नहीं करना हम उसने देवांगे। अरे वो कम से कम सेवा तो कर रहा है ये तो खाव है अभी नहीं बताओ पिछले 10 साल थे और उस तक पहला कांग्रेस का राज था मैंने एक आदमी का गिरा दिया 20 साल में जिसने सेवा करी हो आप पढ़ाए गोज बने हैं चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु था नरा भ्रष्टाचार करे नारायण उन्होंने देख ले सारी पैड के गिर रखी 10 साल हो गए। दादा गौतम बीमार चल रहे हैं दादा गौतम तक के बीमार चल रहा है यू भी फंडे करे मेरे फेफड़े खराब मेरा पिताजी के फेफड़े खराब हुए थे मैंने मेरा फेफड़े खराब हुए पाछा डेंग भी नहीं पाड़ सकता। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं कह तो लकड़ी गिरवा लेगा कह फेफड़े खराब हो जाएंगे। इमोशनल ड्रामा है यहाँ के लोगों का और इन लोगों को समझना पड़ेगा इन चीजों को। न्यू है यू कैप्टन अभिमन्यु जब बीजेपी की सरकार है बन गया ट्रक्टर करता हंडा करता खा गया सारा देश के रोड़ा ने बना बना के न रफी एक भी रोड़ी सा नहीं है जो 5 साल चले वो सारा हम खड्डे हैं आप नारायण में सारा घूम के देख लो और जड़ा जड़ा इसने बना रखी थी जुड़ से नए बनाए हो या पुराने बनाए हो एक भी पूरे 5 साल चले हो तो सारा घूम लो सारी सड़क नाम लिया कर दे कि अजय खा गया MLA मंत्री बने पाते तरला खा सके जी मैंने बनाया कि देवा ले एक आदमी 5 रुपये खा लियो मेरे तरला मेरी महस है होगी तो खा सके नहीं तो ठंडी नहीं ले सकता ढूंढ भर लिया अपना करा कितने 1000 करोड़ रुपये खा गया। तो ये भ्रष्टाचार के अड्डे थे ये बड़े बड़े इनते तो बचना पड़ेगा। और दादा गौतम जी तो थोड़े बेचारे बीमार भी हो गए मैं तो यहाँ सलाह करूँ फेफड़े खराब हो रहे तो रेस्ट कर ले क्या ना पब्लिक में जावा गर्मी बहुत हो रही है हम जवान हाँ और मेरे वर्गे भी और भी घने भाई हैं जो घूमे फिर रहे हैं देख लेंगे पब्लिक ने कर लेंगे सेवा आप पर नहीं बन रही तो कोई बात नहीं छोड़ा सरकारी नौकरी लायक तो रहा और के लेगा और किसी का भी नहीं लग गया 5 साल में सरकारी नौकरी इसी इसका लाग रहा है फिर नू क्या मेरी चलती को नहीं क्यों नहीं चलती अलतालन लाग रही पूरे हरियाणा में या पूरा नानू नलका में एक नौकरी लाग रही वह भी खुद है बाढ़ की फिर नू क्या मेरी चलती को नहीं न्यू कह दे के चलानी को नहीं जी बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिले सरकार में तो कड़े ही लग रही है मन्ने गिना दी इतने आदमी भी अमरीका चले गए मन्ने गिना ये कहेगा बिना खर्ची पर्ची के गए हैं आप तो सारा दिन हंडो गिना तो दो और कुछ एक तो सारी ये सरकार मिला गए हैं चाहे चौटाला ही सरकार और टॉपर ने कौन रोक देगा कांग्रेस राज में भी टॉपर लागे चौटाला राज में भी टॉपर लागे बीजेपी राज में भी टॉपर लागे बाकी जिन दे रखे हो तो दे हुए हैं सारी आए हुए हैं मैं या तो कदे का कहूँ यार 15-15, 16-16 साल तो इनका हंडो फिर नारे लाओ फिर इनकी गाड़ी भर कर रैलियाँ में भीड़ करो फिर इन नेता बनाओ भीड़ दिखाया कहने और फिर 10-10, 15-15, 17 लाख रुपये कलरक के ले हुए हैं और फिर कलरक लागो बेचारा तनखा
34,000 17,000 20-25,000 है, तो फिर इस खातर 10 लाख नारे लाने की जरूरत की है। जब नारे लाने हैं तो फिर मारे पर क्या कि नहीं ला लो। मैं तो कई साल पहला कह रहा बोले भाई मैं थारा बीच मांडू, मन ना छोड़ दे, और भी बतेरे हैं जुड़ से अच्छे काम करें पूरे हरियाणा का हल्का। मत जो भी आदमी अच्छा काम करता हो उस भाई का गल लाग जाना चाहिए और उस भाई ने ठा लो, चाहे वो नॉर्मल करता हो चाहे वो पैसे वाले घर का हो। अच्छा सब नारायण की बात करें तो कैप्टन भी न्यू पावर, क्योंकि पहले वित्त मंत्री रहे हैं और अभी विधायक राम कुमार गौतम जी, दो दो बटे चार, दो दो चौधरी हैं, लेकिन विकास कितना हो रहा है? मैं न चौधरी मन दे आप चौधरी को, ये तो दास नहीं कहता चौधरी आएगा। चौधरी तो वो है कि हर एक आदमी के लिए मरना जानता हो, उनके लिए काम करने के लिए रात ने नींद ना दियो। ये तो खर खर सो है। आप बताओ आप कि 5 साल तक सरकार है बीजेपी की, एक कैप्टन अभिमन्यु तो उन्होंने कहा मैं हरा दिया इसीलिए नहीं आया। क्या था भाई, सरकार तो बीजेपी की है, मुख्यमंत्री भी वो है, सरकार भी वो है, और इनको धुरंधर है इसकी तो ऊपर तो तले थी सारे जान है। तो फिर लगता तू मंत्री बन जे ना बन जे, सिर्फ तेरी तेरी गोश तो भरी नहीं, बाकी तो बीजेपी की सरकार है और वो पावर में है क्योंकि ऊपर तीस की चाल लपूगे वो तेरी, तो आर्डर को कर देना चाहिए था। अरे करो तय दू आपने, मैं यहां जब आया था ना मंत्री बना था, न्यू कहा था कि मैंने मेरा हाथ तो मैनिफेस्टो बनाया है और उस मैनिफेस्टो में मैंने न्यू लिख रखा है कि जितने भी ये कच्चे कर्मचारी है ना टीचर, जो गेस्ट टीचर है, एक कलम में सारे पक्के हो जाएंगे। और इन टीचरों ने बड़ी ताड़ी बजाई थी, बेटे तम तो बन गए भाई मास्टर बन गए है ना पक्के, और गल्ला न्यू कही थी कि आसी तो जीनती रेल की सिट्टी मारेगी। बिल्कुल को बंबीरी भी बोल रहे हैं कि रेल की सिट्टी तो दूर की बात, किते कोई एक्वायर हुई हो किते कोई को दिक्कत, 10 साल में तो जितनी मर्जी रेल को बजा ले ना, तो गैस टीचर लग गया और ना रेल की सिट्टी बाजी और सारे रोड टूट रहे हैं, भरया तो अपनी गोज भरी है या स्पेशल दिखाइए मेरी तरफ से। भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा अड्डा आज तक का नारू दल कमा तो कैप्टन अभिमन्यु है, और मैं तेन कहूँ जिंदगी में जो यू बन जा तो मैंने कह दियो, जो यू बन जा मेरी नाक काट लिए। देख लो तीसरी बार का दावा कर रही है बीजेपी और कैप्टन अभिमन्यु भी लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु का। चाहे यूएडी रगड़ लियो, मन बीजेपी का नहीं बेरा कौन बनेगा कौन नहीं, मन एक बात का बेरा है, जय इसका गुंडर फूट जाए तो मन कह दिए मेरी नाक काट लिए। और बता देख लियो, देख रहा क्या माड़े हूं मैं कौन सा जाऊंगा, मैंने ये आड़ा पीछे ला रखे मकान में माड़े बैठे हूं, इसका गुंडर फूट जाए तो मना आड़ा बता दिए, क्योंकि गामा में जज जगह जी प्रचार लग रहे हैं करने पे। मैं कह लेना चाहिए एड्डी रगड़ लियो, इससे भ्रष्टाचारी और इससे निकम्मा आदमी ना तो कदे नारू नलका में बनया ना कदे बने, यो नहीं बनेगा चाहे किमें बन जो, इसका चेहरे पे दिखण लग रहा बस खाना खाना खाना। और थोड़े है पिछड़े परमात्मा इंदा तो इसका तो बतेरा भी होता, इसने तो खाने की जरूरत भी कह दी, क्यों कलंक ला आई नारू नलके गए कि यू भी खावे है नाम ले है अजय खावा जय खावा जय खावा, आपकी हिम्मत है पीछे खाने की अजय खावा अजय खावा, यूज कर गया छोरा ने भी माल चैप गया। मुख्यमंत्री ने शुरू में सरकार आने देने कही थी 1,000 करोड़ रुपए खा गया किसी बिल्डर पे, और बड़ा ऊपर सेंटर में गई बिगड़। मैं बताऊं भैया घनी ढूंगी बात है, घनी ढूंगी बात भीतर जाना भी नहीं चाहता मैं, यू तो नरायगढ़ा गाप है। आप खुद बताओ नारुण में चारों तरफ आप है ना, कुंसा रोड भी देख लो और नारुण नलके का देख लो, एक सिंगल रोड नहीं बता दो वो ठीक है, तो फिर क्या किए भाई और लाया किन रोड आप है, ये पीछे गए कड़े ठेकेदार, मेरी इजाजत बिना ठेकेदार गंदा माल नहीं लगा सकता अगर मैं एमएलए मंत्री हूं तो, इसका मतलब मेरी भी सह इसका मैं है, तो ये है ना झूठे और भ्रष्टाचारी आदमी। अपना नारण दलका है ना भाई, इन तो बन नहीं दिंदा इन दोवा ने, तो एक का तो सारी जिंदगी में 5 साल में एक सरकारी नौकरी पर खुद खुद का छोरा है, और आंदे नु कह दिया मेरा तो भाई फेफड़ा खराब हो गया, मेरा तेरा फेफड़ा खराब हो गया धार लेना आंदा अपना घर रेस्ट कर, बीमार आदमी ने तो घर रेस्ट करना चाहिए, यह तो सच्ची बात है ना। माफी मैंग पब्लिक अगर घर लेट कर बेड पर नु कहते हे परमात्मा भाई मेरे तो गलती बन गई,
मेरा हो गया फेफड़ा खराब। अरे बाबा मन्ना रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर कहे। फिर पब्लिक में फिर है जी फेफड़ा खराब हो गया। एक और लोहान साहब है, आंदोलन के टाइम में क्या था, मैं तो इस्तीफा देना तैयार किसान ना गेला, लेकिन किसान जब आए थे कोठी पर उस टाइम मिले भी नहीं। यो जी कराते एक के में था अभय सिंह चौटाला में, देखो मैंने तो छोड़ भी रखी वह पार्टी। वो आदमी आया और जाकर ने दिया यार, पूरे इंडिया में एक MLA था जिसने दिया, सच्चाई है ना, और पूरा इंडिया ही आंदोलन का मैं था, तो इतने MLA मतलब सिर्फ एक में जिगरा था। यूँ तो फिर उसके बाद बढ़ गया, पाया भी कौन, इसकी कड़ा बात थी। और मैं तेन को यू तो चलो बेचारा ही तो पल्ला इन मैं तो बेचारा हूँ, छोटे साथ जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है ना, जिक्र आप उसका करना बढ़ने का। सारा सौदे ने 5 साल में चाहे गया, और ये भाई पब्लिक में आवे है, इस पर जवाब भी मांगना चाहिए लोगों ने। अगर तूने कहा था मैंने तो विकास से बहुत कर दिया, वो विकास तो गड्ढे हो रहे हैं जमा सारे विकास में, ऐसा कौन सा विकास कर दिया दूसरा 2 साल भी नहीं चल रहा। लोहान साहब नानू शहर की बात करा तो यहाँ भी पानी की निकासी नहीं है, गलियां नहीं है, तो गांव के हालात किसे मान लो आप, क्योंकि हम तो गांव में भी देखा रास्ता नहीं निकलना है, आज भी सप्लाई का पानी नहीं जा रहा जी। मैंने बेरा है पिछले कई साल दिक्कत है, पानी की दिक्कत, भैंसों को पिलाने की, आदमिया ने पिलाने की, आदमिया तो जमाए कसूती परेशानी हो रही है। बेरा ने बेचारे अपनी माँ बहन कड़ा कड़ा तो जाकर ना पानी लिया है, कई कई घंटे खड़ी रहे हैं लाइना में, है ना, या को नहीं करी। इसका तो इतना भी व्यवस्थ है कि हर गांव गले एक एक ऐसा चीज लगा दे। एक अमेरिका में देख के आता मैं, एक ऐसा हवा है कि जैसे हवा में यू पानी है ना, नमी है, इस नमी ने चूस के न और पानी दे दे है उसका आरओ का, और गांव गले एक एक अगर लाग जे 50-1 लाख तक शुरू हो जाए, ले आठ बटा ब्यो तो मेरा करके दिखा लिया, मैं लाऊंगा गांव गले लग गए के मेरा 50 लाख रुपये, 60 गांव है, 6-5 30-30-1 करोड़ रुपया मामला है, शाम तो पहला गाइड दियो अमरीका तो गदड़ 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 लग गए। मैं तो जी सारे वादे करा सुना होता पहला, हाँ टट्टू ऐसा जी, ना तो मैं वादे करता और ना मैं बनता, ना मैं लालच, और मैंने डालगा तो कमीना काम करके ना करना भी को नहीं, कि मेरी गोज में होगा तो मैं ही कर दूंगा, समझ में ही बात। परमात्मा ने इब तो ईसा भी दे रखा कि हम अपना गरीब आदमियों की मदद करा जो बीमार हो, जिसा मेरे पर पुग गए हैं, और जब नहीं पुगेगा तो भाई मैं हाथ जोड़ के मांग भी लिया अमरीका में, तो एक दो कह भी है भाई ये छोरा के घने लाग कि मैं दे दो भाई, जो करीब पीछे सिकरी का एक छोरा था करनाल के पास, वो कैंसर था मर गया था, 1 लाख रुपये मैं दे के आया था, बाकी मैंने भी हाथ जोड़ के कही थी भाई पूछाइए उसकी डेड बॉडी 20 लाख रुपये माओगी। लोगों ने मेरा कहना तो उन्हें एक एक घरकियाँ के खाते थे, मैंने कभी मेरी जिंदगी में खाता ही नहीं दिया किसी को, मेरे दौरे हो कि मैं दे दूँ, नहीं तो मैं अपना मैंने किसी अपने खाते दिया करता, वो तेरे देश अपने खाते दे हंड है भर ले, मेरा दौर होगा मैं दे दूंगा, जो बीमार होगा मैं उसका खाता दे दूँ, मैं इसका गिर दियो। या सेवा सारे भैया ने करनी चाहिए, जो भी राजनीति करना चाहवा या नू कह मैं राजनीति करूँ हूँ ऊँ फालतू हंडे जावा डक 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 आँख मान, मारे भैया का यू लालच है, इब कदा कदे उड्डा है जी, कदे कांग्रेस आ जे, कदे अटके BJP आ जे, यार वो आँख बांध रखी पॉलिटिशियनों ने, और मारे जो +2 करे उड़े बालक है ना माँ बाप ने उससे यार देखा हंडन दे कि मैं काम में चल जा, देखा यार थोड़ा खर्चे तो काम चल जा, तोड़ गड़े कि मैं तो राम ने तोड़ गड़े, कितने बारिश घड़ी हर कितने कम है, और कितने इन पॉलिटिशियनों ने तोड़ गड़े, सच्चाई किसान तोड़ गड़े इन प्राकृतिक आपदा है ना, और इस डाल के जो गंदी पॉलिटिशियन के पापी हैं इन लोगों ने मार गड़ा। लोहान साहब कर जाऊंगी राजनीति वाले सारे इस तरह के लोग हैं, लेकिन चुनाव आवे उस टाइम लोग झंडे उठा के साथ में लग ले हैं, के कण मानो कि आज भी लोग उनके साथ लग ले हैं, जब पता भी है मत कण लग रहे बोले हैं क्यों नहीं देखते दे? तू 8-10 साल तो थारा बीच में जुन सा परमात्मा इधर से ठीक काम कर दो थारे बीच में, नियत तो ठीक काम लग रहा हो, 8-10 साल में तो यार बेरा नहीं पड़ते कौन सही है कौन नहीं, ऊ अवाही आवे है गड़गड़ गड़गड़ गड़ बड़ी गाड़ी देखी नहीं गलो गलो लाग लो गल, अरे बोले हो रहे गे इनका तो घर कुत्ते बन रहे हैं, उन भी कौन बढ़ते किसी ने, इस डाल का तो वैसे ही बचना चाहिए जिनने ऊँ आँख बांध रखी हो लोगों की। और जो भ्रष्टाचारी आदमी है ना जी, मैं अपने एक बात आ दूँ, उसका तो अपना हल्का में भी बेरा, हर पड़ोसी वाला हल्का में भी बेरा है ना, तो इन पापियाँ गलत तो लगने का कोई तुक नहीं बनता, मेरा इन तो पापी है मैं तो पापी कहूँ, इन भ्रष्टाचारी पापी दोनों तो है, तो
जो मतलब मौका लग गया नहीं रुपये खा लिए, मौका लग गया नहीं भ्रष्टाचार कराया, और जिसकी वोट ले रखी उन्हें रुकेंगे चलो यहाँ नहीं आना, गार्ड ने कह देंगे कि इसको मत आने देना। क्या था भाई, ताकतवर इस आदमी ने बनाया है, और यह सरकारी कोठी भी इसकी है, उन्हें चाह भी को नहीं मिलती, उड़े गए उन्हें चाय भी, इन पार्टियां गल्ला हैंड 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 अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मैं तो इन भाइयों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी स्पेशल चलाइए यार, कि जितने भी हमारे किसान मजदूर भाई, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, जितनी भी मेहनत करी जावे या तो अपना खेत में कर लो तरकत शांति, ये ताश पीटना भी छोड़ दो, अपनी माताएं बहने हैं वो भी किमें न किमें काम करें घर में, और इनकी बजाय गाड़ी घोड़े भरण के इन पापियां की भीड़ इकट्ठी करण के, किसी एक आदमी ने घर आए बैठे बैठे वोट दे दो, अब भाई यो आदमी अच्छा है, इतने रुपये जितने सारी उम्र में ये इविया चार साल की फौजे हैं, जितने रुपये इसमें चार साल में लिया होगा नहीं, इतना तो गणे के तो ब्याज पर ठाकर इनकी रैलियां में भरते ही हैं, और फिर एक आधा न्यू भी कह दे आँख बंद उड़ा, चार साल में 30 लिया होगा 50 लिया होगा, और 30-50 आड़ा ना मैं न्यू को हूँ जो सा उनका बारह में ज़्यादा जिक्र तो नहीं मैं करता, वो तेरा बालक ने भेज दे एक बार बॉर्डर पर मरण खातर, मैं दे दूंगा उन्हें 30। कहना आसान है जी, अपने बच्चे को भेज के देखो पता चलता है, लेकिन जी हमारी तो मजबूरी, हम क्या करें, हम किसान हैं, हम तो सांप भी बिजली भी पानी भी सूखा भी अरे डल के पापिया ने भी ओटा, हम तो तड़के से लेकर जामण से लेकर मरण तक प्राकृतिक आपदा, और इन पापिया ने और भ्रष्टाचारिया ने ओट ओट के बुढ़े हुए।